स्नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज टीवी। आई नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज एक्सप्रेस के खास खबरों पर। शहर हैदराबाद में आज अचानक हुई बारिश की वजह से फिर एक मरतबा शहर के कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई। पुराने शहर के कई इलाके और अंबरपेट में बारिश से निचले इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया। लकड़ी का पुल, हैदराबाद, हिमायत नगर, नामपली, पंजागुटा, लंगर हाउस, मेहंदीपट्टनम और राजेंद्र नगर, एलबी नगर, मलकपेट, सईदाबाद में बारिश हुई। गंडीपेट, बल्लागुड़ा, शमशाबाद, रायदुर्ग और जुबली हिल्स के सड़कें भारी बारिश की वजह से पानी में डूब गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से एक मरतबा इजाफा हो गया है। एक लीटर पेट्रोल पर 36 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल पर 40 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपये तक जा पहुंची है। दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल की कीमत में दिन ब दिन इजाफे के पेशे नज़र एक शख्स ने अपनी बाइक बेच दी और घोड़ा खरीद लिया। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले जोगुलांबा गदवेल में पेश आया। मुल्कापल्ली के रहने वाले नरसिमलू को बाइक के बजाय घोड़ा चलाते हुए देखकर तमाम अफराद हैरत ज़दा हो गए। वहीं तारीखी चार मीनार के पास कुत्तों के मसले खतरनाक हो गए हैं, जहां लोग कुत्तों के हमले के खतरे के पेश नज़र फुटपाथ पर चलने से डर रहे हैं। चार मीनार के पास रहने वाले और टूरिस्ट भी इस इलाके में बड़ी तादाद में कुत्तों की मौजूदगी से खौफजदा हो रहे हैं। तारीखी चार मीनार पर कल इतवार से एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम शुरू होगा। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किया जाएगा। इनॉग्रेशन के मौके पर शाम 6:30 बजे पुलिस बैंड का प्रोग्राम होगा। इसके अलावा 8:30 बजे दक्कनी मजाया मुशायरा भी मुनक्किद किया जाएगा। हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स पुलिस ने गांजा खरीदने और बेचने के इल्जाम में दो अफराद को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 30 लाख का 300 किलो गांजा जब्त कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि मूसाराम बाग और मलकपेट के इलाकों में पुलिस की जानिब से तलाशी के दौरान टास्क फोर्स पुलिस ने एक गाड़ी को रोका, जिसमें गांजे के 10 थैले मिले। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के इल्जाम पर गिरफ्तार 85 लोगों को जेल भेज दिया गया। ये लोग इन 209 लोगों में शामिल है, जिनको साइबराबाद पुलिस ने अलग अलग मुकाम पर 4 और 8 अक्टूबर के दरमियान गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हालत नशे में और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर पकड़ कर अदालत में पेश किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की दो दिन पहले टीआरएस के राज्यसभा एमपी डी श्रीनिवास से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में सस्पेंस देखा जा रहा है। हालांकि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो डी श्रीनिवास की अयादत करने गए थे, जिनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, इसमें कोई सियासत नहीं थी, मगर सियासी हलकों में ये मुलाकात बहस का मौजू बनी हुई है। दशहरे की तकारीब के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के अंबरपेट के म्यूनसिपल ग्राउंड में रावण के पुतले को जलाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, हरियाणा के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय और साबिक राज्यसभा एमपी वी हनुमंत राव ने शिरकत की। तेलंगाना के आदिलाबाद में कल रात दशहरा प्रोग्राम के मौके पर रावण के पुतले को जलाने के दौरान पुतले में रखे गए पटाखों के फट पड़ने के नतीजे में आग लग गई। रावण को आग लगाने के प्रोग्राम को देखने के लिए आए अफराद में अचानक इस वाकये के सबब भगदड़ मच गई और तमाम अफराद अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इसी दौरान भगदड़ वाकये पेश आया, जिसमें बास अफराद जख्मी हो गए।
कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, जो ना मजहब, जात पात, रंग नस्ल, उम्र की कैद को नहीं देखती, बस हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया तेलंगाना के ज़िले निर्मल के भैंसा में पेश आया, जहां एक 73 साल की उम्र के शख्स ने इस बात को साबित कर दिया। इसने अपनी उम्र से कहीं छोटी एक 26 साल खातून से शादी करते हुए उम्र की बंदिशों और इस सिलसिले में समाजी इम्तियाज की तफरीक को मिटा दिया। तेलंगाना के जिले नलकोंडा के नागार्जुना सागर में पानी के जबरदस्त बहाव के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने इसके 10 दरवाजे 5 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।